जमाने से हमारे पुरखे बच्चों को चांद तारों की कहानियां सुनाते आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों के लिए सौर मंडल और उसमें विचरते ग्रह कोई फैंटसी नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई रही है। सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र का ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ाता ही रहा है। इसी सफर का एक बेहद अहम पड़ाव रहा 5 नवंबर 2013 को। But here is an intriguing question. Mangalyaan was launched from Sriharikota on November 5th. इसी दिन भारत ने अपना पहला मंगलयान प्रक्षेपित किया था। इस यात्रा को शुरू हुए 7 बरस हो चुके हैं। इससे जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प तथ्य आपसे साझा करते हैं। सन 2011 में आई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स को बनाने में करीब $376 मिलियन लगे थे, जबकि इसके 2 बरस बाद आए भारत के मंगलयान कार्यक्रम पर महज $74 मिलियन लगे थे। दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ, और हमारे नौजवानों की बुद्धि ताकत देखिए, कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। ये कोई फसाना नहीं बल्कि हकीकत थी। मंगलयान के सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित होने का जश्न मनाती, साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए खुशी से गले मिलती हमारी महिला वैज्ञानिकों की तस्वीरें जब दुनिया भर के अखबारों में छपी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ये मिथक भी टूट गया कि ये पारंपरिक परिधान वाली महिला वैज्ञानिक रॉकेट साइंस की ज्ञाता भी हो सकती हैं, यानी घर हो या स्पेस प्रोजेक्ट, कम दाम और बेहतरीन काम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। जिस प्रोजेक्ट में नासा ने $600 मिलियन का निवेश किया था उसी को हमारे वैज्ञानिकों ने, फिर से आपको बता दें, सिर्फ $74 मिलियन में कर दिखाया। दरअसल देखा जाए तो मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मॉम कहानी है कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की जिन्होंने अनुशासन, परंपरा, निष्ठा और कर्तव्य जैसे मूल्यों को विज्ञान के साथ जोड़ा और असंभव को संभव कर दिखाया। मंगल मिशन एक शुद्ध स्वदेशी मिशन था। वैज्ञानिकों को शुरू से पता था कि उनके पास नासा या दूसरी विदेशी एजेंसियों की तरह अथाह फंड नहीं है। चुनौती ये भी थी कि इन्हें ये प्रोजेक्ट 18 महीने के अंदर करना था। इस मिशन में काम करने वाले अधिकतर वैज्ञानिकों ने इंटरप्लेनेटरी डिसिप्लिन यानी ग्रहों पर रॉकेट भेजने वाले मिशन पर काम तक नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई और काम शुरू कर दिया। सबसे अधिक संसाधन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर लगते हैं, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने उन तकनीकों का अधिकतर इस्तेमाल किया जो पहले से जांची और परखी थीं। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए की बचत की गई। भारतीय वैज्ञानिक ये लंबे समय से सिद्ध करते आए हैं कि दुनिया उनके हुनर पर भरोसा कर सकती है। लेकिन एक सच्चाई जो इस मिशन को दुनिया के दूसरे मिशनों से जुदा करती थी वो थी इसरो के वैज्ञानिकों का जज्बा। जब तक मिशन मंगल चला अधिकतर वैज्ञानिक बगैर छुट्टी लिए दिन रात काम करते रहे। कई वैज्ञानिक तो हफ्तों इसरो के लैब्स में ही रहे, घर तक नहीं गए। इनमें जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणी के वैज्ञानिक शामिल हैं। मॉम ने भारतीय महिला वैज्ञानिकों को भी दुनिया की नजरों में ला खड़ा किया। मौमिता दत्ता मंगलयान मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं। नंदिनी हरिनाथ और ऋतु करिथाल ने यूआर रॉ सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से मिशन को संभाला था, और अनुराधा टीके इसरो सैटेलाइट सेंटर में जियोसैट प्रोग्राम डायरेक्टर थीं। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था
मंगल पर जीवन की खोज। इसके लिए जरूरी था कि वहां किसी ऐसे तत्व को ढूंढा जाए जो जीवन का आधार बन सके, और वो तत्व था मीथेन गैस। इस गैस को ढूंढने के लिए एक खास कैमरा बनाया गया जिसे मीथेन सेंसर कैमरा कहा गया। इस कैमरे को बनाने वाली टीम की सदर भी एक महिला वैज्ञानिक थी जिनका नाम है मीनल रोहित। अब आइए आपको बताते हैं कि हमारा मंगलयान था कैसा। इस यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV-C25 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक के बाद एक 5 चरणों में ईंधन रॉकेट इस्तेमाल होने थे। इनमें 3 ईंधन सॉलिड और 2 लिक्विड थे, और हर ईंधन कैप्सूल रॉकेट को विभिन्न चरणों में जरूरी गति प्रदान करना था। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। इस स्पेसक्राफ्ट के 5 मुख्य भाग थे: सोलर एरे, प्रोपेलेंट टैंक, मीडियम गेन एंटीना, हाई गेन एंटीना और लो गेन एंटीना। इसके अलावा इसमें 5 पेलोड्स लगे थे। ये थे मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमन अल्फा फोटोमीटर। मार्स कलर कैमरा एक बहुउद्देशीय स्नैपशॉट कैमरा था जो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू पैटर्न के साथ मंगल की विभिन्न आकृतियों की तस्वीर ले सकता था। इस कैमरे से ली गई तस्वीरों के जरिए दूसरे पेलोड से प्राप्त जानकारियों का भी विश्लेषण किया जा सकता था। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मंगल की सतह पर तापमान का विश्लेषण कर वहां मौजूद खनिजों का पता लगाने में मदद करता। मीथेन सेंसर के बारे में जैसा हम बता चुके हैं कि यह सेंसर मीथेन गैस के होने का पता लगाने के लिए था, जो कि जीवन के होने का प्रमाण हो सकती है। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर करीब 370 किलोमीटर की ऊंचाई से मंगल ग्रह के पर्यावरण की सबसे ऊपरी सतह का अध्ययन करता और ग्रह के मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देता। और लाइमन अल्फा फोटोमीटर का मुख्य काम मंगल ग्रह पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का पता लगाना था, जिससे बाद में अध्ययन किया जा सके कि ग्रह पर कभी पानी था या नहीं। इस पेचीदा काम को करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी कम वक्त मिला था। आप सोच सकते हैं कि किस गति से काम हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम किया, और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब PSLV-C25 5 नवंबर को श्रीहरिकोटा से प्रेक्षित हो रहा था। उल्टी गिनती शुरू हुई और रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ। कुछ ही देर में पता चल गया कि प्रक्षेपण सफल था, लेकिन यह शुरुआत भर थी। वैज्ञानिकों का असली उद्देश्य मंगलयान को मंगल की कक्षा में पहुंचाने का था। उसके लिए यान को गति देनी थी, जिसके लिए उसे पृथ्वी के 6 चक्कर काटने थे, फिर मंगल तक की यात्रा तय करनी थी। यात्रा तय करने के बाद उसे मंगल की कक्षा में एक परिधि में एक तय गति में पहुंचना था। अगर गति कम होती तो यान परिधि से हटकर मंगल की सतह की ओर बढ़ जाता और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सतह से टकरा कर खत्म हो जाता। अगर ज्यादा होती तो मंगल से कहीं दूर निकल जाता, मतलब तीर निशाने पर ही लगना था और कोई विकल्प नहीं था। जान लीजिए कि तीरंदाज और निशाने के बीच 80,000 किलोमीटर का फर्क था और निशाना स्थिर भी नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और किस्मत रंग लाई और 23 सितंबर को मंगलयान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसरो हेडक्वार्टर्स में ये जश्न का वक्त था। छोटे बड़े जूनियर सीनियर का भेद मिटाकर गले मिल रहे थे और पूरा देश इन वैज्ञानिकों को मंगल कामनाएं भेज रहा था। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों की कतार में शामिल हो गया था जिन्होंने मंगल पर अपने यान सफलतापूर्वक भेजे हैं। वैसे मंगल पर भेजे गए 2/3 अभियान असफल रहे हैं, और केवल रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ही यह कारनामा कर पाए हैं। साथ ही भारत का मंगल मिशन इन सब में सबसे किफायती था। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ
450 करोड़ रुपए ही खर्च किए, जो नासा के मेवन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा था। इसके साथ ही भारत मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला एशियाई देश भी बना, क्योंकि चीन और जापान इससे पहले अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। भारत एकमात्र देश है जो कि पहला प्रयास में मंगल के चारों तरफ एक अंतरिक्ष यान ऑर्बिट करने में सफल हुआ। अमेरिका भी नहीं थे, पर भारत एकमात्र देश है जो कि पहला प्रयास में जो है मंगल के चारों तरफ ऑर्बिट में अंतरिक्ष यान को भेजने में सफल हुआ। मंगल को जाने के लिए उसको सोलर सिस्टम के अंदर से जाना पड़ता है, तो उसमें जो है उसका ट्रैजेक्टरी ठीक से कैलकुलेट करना, उसको रॉकेट ठीक से फायर करना, क्योंकि उसका दिशा बदलने के लिए रॉकेट फायर करना पड़ता है, तो उसको सही तरह से करना। और जब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन को जब हमने मंगल की तरफ भेजा, तो जब वो मंगल के पीछे पहुंच गया तो उससे कोई संकेत हमें मिल नहीं रहा था। तो जब तक वो वापस नहीं आया करीब 1.5 घंटे बाद, तभी हमें पता लगा कि ये ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो ये भी बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। मंगलयान एक स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट है। इसे कब क्या करना है, इसके निर्देश हमेशा पृथ्वी से नहीं भेजे जाते। इसमें लगी स्मार्ट टेक्निक के जरिए यह खुद ही निर्देश लेता है और उनका पालन करता है। अगर मंगलयान को पृथ्वी से निर्देश भेजने भी हो तो इसमें 12 मिनट का वक्त लगता है। स्पेस साइंस में यह समय बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगर यान में कोई खराबी आती है या इसे किसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो ये पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों के निर्देश पर निर्भर नहीं रहता। इसमें इनबिल्ट इंटेलिजेंस सब कुछ संभाल लेती है। आइए एक नजर डालते हैं मंगलयान की उपलब्धियों पर। सितंबर सन 2020 तक मंगलयान मंगल की कक्षा में 6 बरस पूरे कर चुका है। अब तक इसने करीब 2 टेराबाइट से भी ज्यादा का डेटा भेजा है। मंगलयान का लक्ष्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन, नियोजन, प्रबंधन और क्रियान्वयन का विकास करना है। मंगलयान अपने 5 उपकरणों के साथ मंगल की परिक्रमा करते हुए आंकड़े और तस्वीरें पृथ्वी पर भेजने में जुटा है। इसके जरिए मिले मंगल ग्रह के आंकड़ों से वैज्ञानिक विश्लेषण में काफी सहूलियत हो रही है। अंतरिक्ष विज्ञान और मंगल ग्रह के बारे में जानने वालों के लिए इस यान ने मंगल ग्रह से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराए हैं। इस यान में लगे मार्स कलर कैमरे ने इस ग्रह से जुड़ी सैकड़ों तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं, जिसके आधार पर मंगल एटलस तैयार किया गया है। यह इसरो के वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंगलयान की तस्वीरों से पता चलता है कि मंगल के वातावरण की ऊपरी परतें बिखर रही हैं और अंतरिक्ष में विलीन होती जा रही हैं। सन 2018 में मंगलयान ने मंगल पर एक बहुत बड़े धूल के तूफान की तस्वीरें भी भेजी। ये तूफान एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस तरह के तूफान से ग्रह के बाहरी वातावरण के तापमान पर असर पड़ता है और उसके नष्ट होने की प्रक्रिया में भी तेजी आ सकती है। हालांकि इस तूफान का विश्लेषण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वैसे मंगल ग्रह को लेकर जिज्ञासा होना भी स्वाभाविक है। देखा जाए तो इतनी दूर होते हुए भी ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, यानी इंसान भविष्य में यहां बसने के सपने देख सकता है। इसके अलावा मंगल ग्रह की कई और विशेषताएं हैं। यह सौर मंडल में सूर्य से 4th ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर इसकी आभा रक्तिम नजर आती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग और खूबसूरती हमेशा से इंसान को आकर्षित करती रही है। मंगल एक स्थलीय ग्रह है, यानी ये गैस का पिंड नहीं बल्कि ऐसा ग्रह है जिसके पास अपनी जमीन है। इसका वातावरण विरल यानी बहुत घना नहीं है। इसकी सतह देखने पर पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों सी ही हैं। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर चंद्रमा के समान हैं। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि इसकी सतह किन तत्वों से बनी है और इसके भीतर क्या है।
बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, सिर्फ सतही जानकारी है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी है। वो बहुत ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, और ठंडे होने की वजह से उसके जो एक सतह है, जो क्रस्ट है, वो जब ठंडा होके श्रिंक होता है उसका क्रस्ट, तो वो टूटता है कई जगहों से। मंगल के बारे में हमें अभी तक कई जानकारियां हासिल हो चुकी हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही है। सबसे बड़ी घाटी वेलेस मेरिनेरिस इसी ग्रह पर है। इसका मौसमी चक्र भी तकरीबन पृथ्वी जैसा ही है, हालांकि सूरज से दूरी की वजह से दोनों के तापमान में काफी फर्क है। 1965 में मरीनर 4 मिशन के बाद हमने जान लिया था कि मंगल पर पानी और बर्फ है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ जीवन भी है, और अगर नहीं है तो यहाँ जीवन की क्या संभावनाएं हैं? मंगल का, जैसे पृथ्वी सूरज के तरफ एक साल पूरा घूम लेती है, मंगल का जो एक साल होता है, मंगल 2 साल लेता है पूरा सूरज के चारों तरफ घूमने, तो ये भी एक थोड़ा बराबर की बात है। हालांकि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर और अत्यंत पतला वायुमंडल यहाँ जीवन के लिए चुनौती है। मंगल के अपने 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। हालांकि ये हमारे चांद जैसे नहीं हैं, ये छोटे हैं और अनियमित आकार के हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है, पृथ्वी से कम घना है। इसका सतही क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल शुष्क जमीन से केवल थोड़ा सा ही कम है। हालांकि बुध से बड़ा और भारी है, लेकिन इसका सतही गुरुत्व आकर्षण लगभग बुध जितना ही है। मंगल ग्रह का जो कोर है अंदर, वो क्या हमारे पृथ्वी का कोर, जो कि एक तरल लोहा है, जो पृथ्वी का जो सेंटर पे तापमान इतना ही ज़्यादा है कि जो लोहा है वो बिल्कुल तरल पदार्थ के, लिक्विड के रूप में वो है, और उसी के वजह से पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्ति है, जो नॉर्थ और साउथ पोल में जो चुंबकीय शक्ति का हमें देखने को मिलता है, कंपस जिसके वजह से डिफ्लेक्ट होता है, वो चुंबकीय शक्ति पृथ्वी का है, क्योंकि जो पृथ्वी का सेंटर पे जो लोहा लिक्विड फॉर्म में है उससे ये चुंबकीय शक्ति निकलती है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मंगल ग्रह का जो केंद्र है, क्या वो तरल पदार्थ के रूप में है या क्या वो ठोस पदार्थ के रूप में है, ये अभी तक पता नहीं। अब तक की खोज बताती है कि यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज हैं, धातु और अन्य तत्व भी हैं, जिनसे आमतौर पर ऊपरी चट्टानें बनती हैं। इसकी सतही का बड़ा हिस्सा थोइलेटिक बसाल्ट का बना है। ये पृथ्वी पर मौजूद एंडेसिटिक चट्टानों या सिलिका ग्लास के समान हो सकते हैं। मंगल की 2 स्थायी ध्रुवीय बर्फ टोपियां हैं। ध्रुव की सर्दियों के दौरान ये लगातार अंधेरे में रहती हैं। इंसान ने मंगल ग्रह को छू लिया है। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने मंगल पर अंतरिक्षयान उतारने और संचालित करने में सफलता हासिल की है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं कि इन प्रयासों की सफलता की शुरुआत 14 जुलाई 1965 में हुई, जब नासा ने मरीनर 4 अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर भेजा। मरीनर 4 के जरिए पहली बार इंसान को किसी दूसरे ग्रह की तस्वीरें देखने को मिली। इसके बाद मई 1971 में मरीनर 9 को लॉन्च किया गया। ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और उसका पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। मरीनर 9 से ही पता चला कि मंगल पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1971 में ही अपना अंतरिक्षयान मार्स 3 मंगल पर भेजा। ये मंगल ग्रह पर मार्स 2 के 5 दिन बाद पहुंचा था। मार्स 3 मंगल की सतह पर सही सलामत उतरा। नासा ने 1975 में वाइकिंग मिशन के तहत 2 अंतरिक्षयान, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 मंगल भेजे थे। इस मिशन को मंगल की सतह पर वो सभी तत्व मिले जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी हैं। 1996 में नासा ने मंगल पर रोबोटिक एयरक्राफ्ट मार्स ग्लोबर सर्वेयर को उतारा।
मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने यह पता लगाया कि मंगल पर अब भी पानी बहता है। इसके बाद नासा ने मंगल ग्रह पर अपना सबसे महत्वपूर्ण अभियान मार्स पाथफाइंडर 1997 में भेजा। मार्स पाथफाइंडर की खासियत थी किफायती होना। इसका मकसद था मंगल की सतह पर एक रोवर पहुंचाना। सन 2001 में भेजा गया मार्स ओडिसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाले अंतरिक्ष यानों में से एक था। सन 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान मार्स एक्सप्रेस भेजा। किसी दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला यह यूरोप का पहला अंतरिक्ष यान था। इसका मकसद मंगल के वातावरण और मिट्टी का अध्ययन करना और जीवन की संभावनाओं का पता लगाना था। नासा ने सन 2005 में मार्स रिकॉग्निशंस मिशन को मंगल पर भेजा, जो अभी मंगल पर पानी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रहा है। नासा ने अपॉर्चुनिटी, फीनिक्स रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा है। इसके अलावा सन 2030 तक मानव को मंगल ग्रह पर भेजने की नासा की योजना है। पहले तो इसके पहले हुआ था फीनिक्स मिशन मंगल ग्रह का, उसके पहले क्यूरियोसिटी रोवर गया था सरफेस, वो एक रोबोटिक मिशन था, वो मूविंग रोबोट था। क्यूरियोसिटी बहुत जगह पे जा जाके सतह का टोपोग्राफी, सतह में क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं वो मिला। लेकिन ये जो मिशन है इनसाइट, वो एक ही जगह बैठा है, वो एक ही जगह से मेजर करेगा। इसरो सन 2021-22 में एक बार फिर मंगलयान 2 के नाम से दूसरा मंगल ऑर्बिटर मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इससे पहले दुनिया के अनेक देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए 51 मिशन लॉन्च किए थे, इनमें से सिर्फ 21 कामयाब हुए। अंतरिक्ष जितना विशाल है, इसकी चुनौतियां इससे भी ज्यादा विशाल हैं। भारत ने इन चुनौतियों का सामना डटकर किया है। हाँ, एक दो बार असफलताएं भी हाथ लगी हैं, लेकिन ऐसे में देश ने वैज्ञानिकों को नैतिक और भावनात्मक सहारा दिया है, उन्हें याद दिलाया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। भारत को भरोसा है कि मंगल पर उसके वैज्ञानिकों की जीत की यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। मंगलयान 2 की यात्रा और भी दिलचस्प होगी।